अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द कार्पल एंड ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स। द अपर वन इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, देन स्टाइल and lower most part is called as the ovary. Stigma is modified to catch the pollens and these pollens pass through the style and then they goes to the ovary where the female gamete is the present. And ovary after fertilization is changed into the fruit. Ovary jo hai wo fruit mein change ho jati hai after fertilization, ripening ho jati hai. ओवरी के अंदर जो है हमारे पास ओव्यूल्स आर द प्रेजेंट। ओवरी के अंदर जो है वो हमारे पास ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं और जब ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है तो ये ओव्यूल जो हैं दीज आर चेंज्ड इनटू द सीड। तो ये सीड में जो है वो चेंज हो जाती है। ओवरी इज चेंज इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल्स आर चेंज्ड इनटू द सीड। बट द नंबर ऑफ द ओव्यूल्स इन द ईच ओवरी and the number of the carpels in the each flower, these all are the variable in the different groups of the plants. But the within the ovary, where the ovules are the located, ki ovary mein ovule jo hai wo kahan pe present hote hain. Actually ovules are attached to the special structures which are called as the placenta. ठीक है, ओवरी के अंदर जो है वो कुछ स्पेशल रिजिस, कुशन लाइक रिजिस प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ उभार से, कुशन से जिनके ऊपर जो है वो ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। दीज कुशन लाइक रिजिस इन द ओवरी आर कॉल्ड एज द प्लासेंटा। टू दीज प्लासेंटा ओव्यूल्स आर द अटैच्ड। बट द पोजिशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द प्लासेंटा इज द ओवरी इज द वेरिएबल। के प्लासेंटा जो है वो उनकी पोजीशन क्या है, उनका नंबर क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में जो है वो वेरिएबल है। एंड द पोजीशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द प्लासेंटा इन द ओवरी इज कॉल्ड एज द प्लासेंटेशन। के उनकी पोजीशन क्या है, उनका नंबर क्या है और उनकी अरेंजमेंट क्या है प्लासेंटा की इन द ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज द प्लासेंटेशन। और ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर आपको जो है वो पेपर में काफ़ी इसकी जो है वो रेपिटेशन जो है वो बार बार होती है कि व्हाट इज प्लासेंटेशन, उसमें आपने डायग्राम्स के साथ उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन की कौन कौन सी टाइप है? तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिनल टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन। के मार्जिनल टाइप प्लासेंटेशन, इन दिस केस द ओवरी इज द सिंपल। सिंपल मीन के एक ही कार्पल से जो है वो बनी हुई है, यानी उसमें सिर्फ एक कार्पल है। और अगर तो दिस टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन इज नोन एज द मार्जिनल। लेकिन अगर एक से जो है वो ज़्यादा कार्पल से बनी हुई ओवरी है तो देन देयर आर द वेरियस अदर टाइप्स ऑफ द प्लासेंटेशन। तो फर्स्ट वन जो है वो सिंपल में जिसको हम कहते हैं मार्जिनल, इसमें क्या होगा, गाइनेशियम इज मोनोकार्पलरी आर द पॉलीकार्पलरी। यानी गाइनेशियम जो है वो मोनोकार्पलरी है, एक कार्पल पे कंसिस्ट कर रही है या एक से ज़्यादा कार्पल पे कंसिस्ट कर रही है। अगर एक कार्पल पे कंसिस्ट करेगी तो सारी बात उसमें कार्पल ही एक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो सारे के सारे कार्पल जो हैं वो फ्री होंगे, उसको हम कहते हैं एपोकार्पस। द गाइनेशियम इज मोनोकार्पलरी आर पॉलीकार्पलरी एंड द एपोकार्पस सो दैट द ओवरी आर द ओवरीज आर द सिंपल। तो इसलिए जितनी भी ओवरीज प्रेजेंट हैं, अगर एक है या एक से ज़्यादा हैं, तो वो बिल्कुल सिंपल होंगी और यूनिलाकुलर, यानी उनके अंदर एक ही लाक्यूल या एक ही कंपार्टमेंट या एक ही खाना जो है वो प्रेजेंट होगा। द ओव्यूल्स आर अटैच टू द प्लासेंटा विच आर डिवेलप्ड अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओव्यूल जो हैं ये प्लासेंटा दिखाए हुए हैं और यहाँ पर ओव्यूल जो हैं वो अटैच हैं विच आर प्रेजेंट अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर। अब ये वेंट्रल स्ट्रक्चर क्या है? वेंट्रल स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि कार्पल जो है हमने पढ़ा था कि एक मॉडिफाइड लीफ ही है और वो लीफ जो है वो जब फोल्ड हो जाता है तो उसके मार्जिन जो है वो जहाँ पे ज्वाइन करते हैं फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स, दीज आर कॉल्ड एज द वेंट्रल स्ट्रक्चर। यानी जब एक लीफ को आप दरमियान से फोल्ड करेंगे तो एक साइड पर उसकी मिडरिब होगी और एक साइड पर उसके फ्यूज्ड मार्जिन होंगे, तो जो फ्यूज्ड मार्जिन वाली साइड होगी उसको हम कहेंगे वेंट्रल स्ट्रक्चर और जो मिडरिब वाली साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द डॉर्सल स्ट्रक्चर।
तो ये वेंट्रल सचर के साथ जो है वो प्लासेंटा प्रोड्यूस होंगे और उनके साथ जो है वो ओव्यूल्स जो है वो अटैच होंगे। दिस टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन इज फाउंड इन द पी ग्रैम बीन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली फैबेसी। तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो वेरिएबल होगा लेकिन लॉक्यूल जो है वो हमेशा एक ही होगा, यूनिलॉकुलर ओवरी होगी। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन विच इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल। इसमें हमारा काइनेशियम जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल कार्पल और इफ़ मोर देन वन कार्पल देन ऑल द कार्पल विल बी फ्री, यानी फिर भी हर एक कार्पल जो है वो सिंपल ही होगा, दैट विल बी फ्री फ्रॉम द ईच अदर। उसके बाद सेकंड हमारा केस है कि जब हमारे पास जो है वो काइनेशियम जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द कंपाउंड ओवरीज, यानी कंपाउंड ओवरीज का मतलब कि ऐसी ओवरीज होंगी जो एक से ज़्यादा कार्पल के फ्यूज़ होने से बनती हैं, यानी उसमें दो कार्पल भी हो सकते हैं, उसमें तीन भी हो सकते हैं, मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। तो द प्लासेंटेशन मे बी ऑफ द पेराइटल एक्साइल आर द फ्री सेंटर। वी विल डिस्कस वन बाय वन नाउ ऑल अदर टाइप्स ऑफ द प्लासेंटेशन इन विच द गाइनेशियम इन विच द ओवरी इज द कंपाउंड। अब हम जो भी केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे उनमें कंपाउंड ओवरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द पेराइटल। ये डायग्राम जो है वो आप देख रहे हैं कि पेराइटल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन जो है वो किस तरह की प्लासेंटेशन है। इन दिस केस द ओवरी इज कंपाउंड। ये क्रॉस सेक्शन असल में दिखाया हुआ होता है, ये आप यूँ समझ लें कि ओवरी का टी एस दिखाया हुआ काट के नीचे से। तो ये देखें ये ओवरी हमें नज़र आ रही है, ये उसके अंदर जो है ये इट इज़ कंपाउंड ओवरी मेड अप ऑफ द थ्री कार्पल्स। ये इसके तीन जो है वो मार्जन्स फ्यूज एक ये और एक ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तीन कार्पल से जो है वो मिलके बनी हुई। द ओवरी इज कंपाउंड एंड इज द यूनिलॉकुलर। द फ्यूज्ड मार्जन्स ऑफ द कार्पल्स आर स्वेलअप। ये यहाँ पे फ्यूज मार्जन है, ये फ्यूज मार्जन, ये फ्यूज मार्जन, ये थोड़े से स्वेलअप हो गए हैं, ये इनको हम प्लासेंटास कहेंगे। और इन फ्यूज्ड मार्जन्स के साथ जो है वो कार्पल्स के ओव्यूल्स आर द अटैच्ड। ठीक है, तो इनके साथ जो है वो ओव्यूल जो है वो अटैच हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज द पेराइटल एंड इट इज़ फाउंड इन द कुकम्बर मेलन एंड द मस्टर्ड। बट इन दिस केस द ओवरी इज द यूनिलॉकुलर। ये ओवरी जो है ये हमारे पास यूनिलॉकुलर है, बट दिस डज नॉट अपीयर यूनिलॉकुलर इन ऑल द केसेस बिकॉज सम टाइम्स द फ्यूज्ड मार्जन्स ऑफ द कार्पल्स ग्रो इनवर्ड एंड फॉर्म अ सेप्टा। ठीक है, इस तरह से जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो फ्यूज्ड मार्जन है कार्पल्स के और दोनों जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पे रुकते नहीं हैं बल्कि अंदर की तरफ जो है वो ग्रो करते रहते हैं और एक सेप्टा या क्रॉस वॉल सी जो है वो बन जाती है जिसको हम फॉल सेप्टम का जो है वो नाम देते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉल सेप्टा द ओवरी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन कंपार्टमेंट। ओवरी की डिवीजन हो गई है और एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट जो है वो बन गए। तो इसमें एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट बन जाएंगे। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सर्फेस ऑफ दिस सेप्टा और ओव्यूल जो है फिर इन जो है वो फॉल सेप्टा इनके ऊपर जो है वो भी प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो है यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाई हुई है ये ब्रासिका में दिखाई हुई है। ब्रासिका में भी ऐसे ही होता है कि गाइनेशियम जो है वो बाइकार्पल रही है, दो कार्पल से बनी हुई है, सिनकार्पस यानी दोनों कार्पल जो है वो फ्यूज़ हैं लेकिन इसको भी जो है वो यूनिलॉकुलर होना चाहिए था लेकिन ये यूनिलॉकुलर नहीं है बट इट बिकम्स द बायलॉकुलर। दो खाने इसमें बन गए हैं ड्यू टू द डिवेलपमेंट ऑफ द फॉल सेप्टा, फॉल सेप्टा की वजह से। तो इसमें जो है ये एक्चुअली जो है ये फॉल सेप्टा जो होता है ये उसके जो फ्यूज्ड मार्जिन है कार्पल के वो अंदर की तरफ ग्रो नहीं करते बल्कि ये अलहदा से बाद में जो है वो डिवेलप हो जाता है। अगर ये फ्यूज्ड मार्जिन अंदर की तरफ ग्रो करेंगे तो फिर तो हम कहेंगे कि ओवरी बायलॉकुलर है, इसमें ओवरी यूनिलॉकुलर ही कंसिडर होगी, सिर्फ ये एक फॉल स्ट्रक्चर जो है फॉल सेप्टम जो है वो आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो बायलॉकुलर जो है वो बन जाती है। देन दिस टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज द पेराइटल। इसमें नहीं फॉल सेप्टा आपको नजर आ रहा है यूनिलॉकुलर है, इसमें फॉल सेप्टा बन गया, ये ब्रासिका का जो है वो केस है, दिस इज कॉल्ड एज द पेराइटल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्लासेंटेशन, उसमें हमने पढ़ा एक फर्स्ट टाइप दैट वाज द सिंपल वन और देन वी स्टडी अबाउट द पेराइटल। पेराइटल के बाद कंपाउंड ओवरीज के केस में हमारे पास जो है वो सेकंड टाइप है दैट इज द एक्साइल टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन। एक्साइल में क्या होता है, गाइनेशियम इज पॉलीकार्पलरी एंड सिन कार्पस। पॉलीकार्पलरी का मतलब कि एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, सिन कार्पस का मतलब कि वो सारे आपस में फ्यूज होकर एक कंपाउंड ओवरी जो है वो बना रहे हैं।
द फ्यूज्ड मार्जन्स ऑफ द कार्पल्स आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द इनर साइड. फ्यूज्ड मार्जन जो है वो यहाँ पे रुके नहीं रहते बल्कि अंदर की तरफ जो है वो ग्रो करते हैं. एंड मीट इन द सेंटर, और सेंटर में ओवरी के जो है वो आपस में जाके मीट करते हैं. एंड द कंपाउंड ओवरी इन दिस केस बिकम द मल्टीलाकुलर. ठीक है, कंपाउंड ओवरी जो है वो मल्टीलाकुलर हो जाती है. और ये फ्यूज्ड मार्जन जो है वो कार्पल के जो अंदर की तरफ मूव करते हैं वो सेंटर में जाके एक कॉलम के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, एग्जाइल कॉलम के साथ. और उस एग्जाइल कॉलम के साथ जो है वो हमारे पास ओव्यूल जो है वो लगे हुए होते हैं. ठीक है, ये हमारा एग्जाइल कॉलम है, ये इसके साथ जो है वो प्लासेंटा है, और ये प्लासेंटा के साथ जो है वो ओव्यूल लगे हुए हैं. तो मार्जन जो हैं दे आर ग्रोइंग इनवर्ड, अंदर की तरफ जो है वो मार्जन खुद इट्सेल्फ ग्रो करते हैं. इस वजह से ओवरी बिकम्स द मल्टीलाकुलर. जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये थ्री कार्पल से बनी हुई ओवरी है और ये तीनों कार्पल्स के मार्जिन फ्यूज करके और अंदर की तरफ ग्रो कर गए हैं. और इस तरह से ओवरी हैज़ आल्सो बिकम द ट्राइलाकुलर, यानी तीन खाने जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तीन कार्पल से जो है वो बनी हुई है. द नंबर ऑफ द लाकुलाई इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द कार्पल्स. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो में जो है वो टू लाकुलाई होते हैं, यू फोरबिया में सिक्स होते हैं. तो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द कार्पल्स, जितने लाकू खाने बनेंगे उतने ही कार्पल जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे. लेकिन इसमें भी बार दफ़ा जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं. जैसे कि हबिस्कस में नंबर ऑफ द लाकुलाई ओरिजिनली फाइव, हबिस्कस में इस तरह से फाइव खाने जो है वो हमें नज़र आते हैं ओरिजिनली, लेकिन बाद में जो है वो हर खाना में या हर लाक्यूल में एक फॉल सेप्टा जो है वो बन जाता है. एंड द ओवरी बिकम्स द टेन चैम्बर, और ओवरी में हमें फाइव की बजाय जो है वो टेन खाने जो है वो नज़र आते हैं. तो इसलिए जो है वो पेंटा कार्पलरी ओवरी होती है, फाइव कार्पल के मिलने से बनती है. बट देर आर नंबर ऑफ द लाकुलाई आर द टेन. तो दिस इज द हैपन इन दिस टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशन समटाइम्स टेक्स प्लेस. देन देर इज द नेक्स्ट केस विच इज कॉल्ड एज द फ्री सेंटर. नेक्स्ट केस ऑफ द प्लेसेंटेशन विच इज कॉल्ड एज द फ्री सेंटर. अब फ्री सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ओवरी इज कंपाउंड, ओवरी जो है वो कंपाउंड है, यानी एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बनी हुई है. जैसे ये तीन कार्पल से मिलके बनी हुई है, ये एक कार्पल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीन कार्पल से मिलके बनी हुई है. एंड यूनिलाकुलर है. ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, और ओव्यूल्स क्या है, उसके सेंटर में एक एक्सिस प्रेजेंट है, उसके साथ जो है वो लगे हुए हैं. और ये एक्सिस अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी. यहाँ पर आपको ये बेस से नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये उसका क्रॉस सेक्शन है, यू टी एस लिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें तो फिर आपको बेस से जो है वो नज़र आएगा. तो उस एक्सिस पर जो है हमारे पास ओव्यूल जो है वो लगे हुए हैं. तो दिस टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज द फ्री सेंटर. इसको हम जो है वो फ्री सेंटर कहते हैं. द सेंट्रल एक्सिस मे रीच टू द टॉप ऑफ द ओवरी. बाज़ दफ़ा जो है ये सेंट्रल एक्सिस टॉप तक जाता है, यानी बेस से लेकर टॉप तक, और बाज़ दफ़ा जो है वो टॉप तक जो है वो नहीं जाता. देन देयर इज़ द नेक्स्ट टाइप विच इज़ कॉल्ड एज द बेसल. बेसल टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन, यानी बेसल में क्या होता है, एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग कि ओवरी इज़ द यूनिलाकुलर. ओवरी जो है उसमें एक ही खाना या एक ही लाक्यूल जो है वो प्रेजेंट है. एंड इट कॉन्टेन्स अ सिंगल ओव्यूल विच इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी. ठीक है, उसमें एक ही ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है, ये ओवरी है, ये उसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट है. दैट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी, और वो ओवरी के बेस के साथ अटैच है. दिस टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन केस ऑफ द सनफ्लावर. सनफ्लावर में इस टाइप की प्लेसेंटेशन जो है वो मिलती है. इस प्लेसेंटेशन को आप सिंपली जो है वो ये समझ लें कि जो पहले हमने फ्री सेंट्रल पढ़ी है ये उसकी ही मॉडिफिकेशन है. ठीक है, ये उसकी ही मॉडिफिकेशन है फ्री सेंट्रल की. बिकॉज द थैलमस बियरिंग द ओव्यूल इज नॉट प्रोलॉन्ग. बस उसमें ये था कि वो सेंटर में एक एक्सिस जो है वो राइज कर जाता है और उसके साथ ओव्यूल्स लगे हुए हैं. यहाँ पे वो एक्सिस जो है वो नहीं डेवलप करता और ओव्यूल जो है इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी. तो सो दैट दिस इज कॉल्ड एज द बेसल. बेसल में भी हमारे पास दो केस हो सकते हैं कि उसमें एक ही ओव्यूल होगा और एक ही लॉकुलर होगा. और बेसल में दो केस हमारे पास उसमें ये होगा कि एक में जब ओव्यूल जो है वो बेस के साथ अटैच होगा, जैसे ये है और ये है, दिस इज़ कॉल्ड एज द बेसल. और एक ऐसा भी होता है कि उसमें ओव्यूल जो हैं दीज आर अटैच टू द टॉप, यानी टॉप पे ऊपर वाली साइड से वो अटैच हैं और नीचे से जो हैं वो फ्री हैं. तो इस टाइप की जो बेसल प्लेसेंटेशन है उसको हम कहते हैं पेंडुलस, यानी पेंडुलम की तरह से ऊपर से वो अटैच और नीचे से फ्री, और ये वाले जो हैं वो नीचे से अटैच और ऊपर से जो है वो फ्री.
तो इस तरह से ये दो टाइप्स की जो है वो हमारे पास आ जाती है, एक को हम कहते हैं पेंडुलस और दूसरी को हम कह दे बेसल की दो टाइप्स हैं, ये वाली होगी असेंडिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द पेंडुलस। पेंडुलस ऊपर से अटैच और असेंडिंग जो है वो बेस से अटैच। तो ये तीनों डायग्राम्स में ये दोनों जो हैं ये बेसल की हैं और ये पेंडुलस। पेंडुलस ये हमें फैनल में इस तरह की प्लेसेंटेशन मिलती है, फैनल जिसे हम सौंफ कहते हैं, सौंफ के दाने जो है वो इस तरह से ऊपर से अटैच होते हैं और नीचे से जो है वो फ्री होते हैं। देन देयर इज द लास्ट केस ऑफ द प्लेसेंटेशन विच इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होता है कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ओव्यूल्स आर नॉट बॉर्न ऑन द मार्जन्स ऑफ द कार्पल, कि यहाँ पे हमें कोई कार्पल या उनके फ्यूजन कार्पल के मार्जन्स के हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ओव्यूल जो हैं दीज आर अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी। ये डबल वॉल जो है वो ओवरी की हर जगह है, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, और इनर वॉल के साथ जो है वो डायरेक्टली ओव्यूल जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है, कोई भी फ्यूज मार्जन्स के साथ जो है वो नहीं अटैच। तो इन दिस केस द ओवरी विच मे बी आल्सो द सिन कार्पस, ओवरी जो है वो कंपाउंड होगी मेड अप बाय द फ्यूजन ऑफ द कार्पल्स, लेकिन वो कार्पल के फ्यूज मार्जन के साथ नहीं बल्कि जो कंपाउंड ओवरी की अंदर वाली वॉल है उसके साथ डायरेक्टली जो है वो अटैच। दिस टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन केस ऑफ द वाटर लिली। वाटर लिली में हमें इस तरह की प्लेसेंटेशन जो है वो मिलती है। तो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लेसेंटा एंड द प्लेसेंटेशन। ये आपके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप समझ लें कि 80% पेपर में जो है ये क्वेश्चन आता है और आपने इसको इसी तरह से डायग्राम्स के साथ ही जो है वो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। और इससे पहले जो है वो थोड़ा सा आप ये देख लें कि कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी जो है वो नहीं आपको पढ़ाई इसके बारे में, गाइनेशियम के बारे में कि मोनोकार्पलरी क्या है, बाईकार्पलरी क्या है, ट्राईकार्पलरी, पॉलीकार्पस, एपोकार्पस, ये आप जो है वो खुद थोड़ी सी जो है वो गाइनेशियम की टर्मिनोलॉजी खुद पढ़ लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, और फिर उसके बाद इसको आपने प्रेजेंटेशन को पढ़ना है, फिर आपको समझ में आएगी। ये टर्मिनोलॉजी के मैं आपको निशानात लगवा देती हूँ, पॉइंट आउट कर देती हूँ, इसमें है मोनोकार्पलरी, बाईकार्पलरी, ट्राईकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस। पहले आप इनको अंडरलाइन करके इनको पढ़ें और समझें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है वो तैयार करें। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।